ओम गणेशाय नमः। राधा अष्टमी का दिन किस दिन पड़ रहा है, आइए सारी जानकारी सुन लेते हैं। राधा अष्टमी व्रत भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाई जाती है। राधा रानी का जन्म हुआ था, यह व्रत 11 सितंबर को पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी की पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो मंगलवार 10 सितंबर 2024 को रात को 11:11 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन बुधवार को 11 सितंबर 2024 को रात को 11:46 पर हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी जो मनाई जाएगी वो बुधवार को 11 सितंबर को ही मनाई जाएगी। मध्यान्ह पूजा का समय जो है वो 11:03 से लेकर दोपहर के 1:32 तक रहेगा। ये अवधि जो है 2 घंटे 29 मिनट की रहेगी। राधा अष्टमी की पूजा विधि, रोज़ाना की तरह सुबह उठें, स्नान ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले लें। दोपहर में भगवान कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए पूजन स्थल की साफ़ सफाई कर गंगा जल से शुद्ध करें और 5 रंग का मंडप बनाकर ध्वजा पुष्पमाला वस्त्र पताका तोरण आदि से उसे सजाएं। मंडप के भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं और उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमा मुख में रखकर यानी पश्चिम की तरफ जिनका मुख हो स्थापित करें। सपरिवार पूजा करें और राधा रानी और कृष्ण जी को धूप दीप फल फूल अगरबत्ती मिठाई अर्पित करें और उनकी स्तुति करें और आरती भी गाएं। 1 माला ओम ह्रीम श्री राधिकाय नमः का जाप करें। दिन में हरी चर्चा करें और रात में नाम संकीर्तन करें। 1 समय फलाहार करें और मंदिर में दीप दान करें। राधा रानी की आरती ज़रूर ही गाएं और उनके मंत्र का जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तो भगवान कृष्ण और राधा रानी को मालपुए बड़े ही प्रिय हैं, इसीलिए इनकी पूजा में मालपुए का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। रबड़ी मालपुए खीर ये राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मालपुए के अलावा राधा रानी को रबड़ी भी बहुत पसंद है और राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को रबड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।